अपने रब से अपनी खताओं की माफी मांगते रहा करो, क्योंकि जिंदगी मौका कम और धोखा ज्यादा देती है। जन्नत वो वाहिद शानदार जगह है जहां जाना तो सब चाहते हैं मगर जल्दी किसी को नहीं। तौबा करना आसान है लेकिन गुनाह छोड़ना मुश्किल है। खुशी आपस में बांटने से इस तरह बढ़ती है जिस तरह जमीन में बोया हुआ बीज फसल बनता है। बुराई को खुद में और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो, यही आपकी सबसे बड़ी अच्छाई होगी। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो आवाज छीन लेते हैं। अच्छे लोगों का तुम्हारी जिंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। जब इंसान अंदर से टूटता है तो बाहर खामोशी हो जाती है। अपनों से मुनाफकत करने वालों को मैंने हमेशा गैरों के कदमों में गिरते देखा। बहुत अजीब दुनिया है, यहां झूठ नहीं सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। वक्त तो गुजर ही जाता है, याद रह जाता है तो अच्छे और बुरे वक्त में अपनों का रवैया। जो किसी के साथ ज्यादती करके अपने लिए इज्जत चाहता है तो अल्लाह उसे अपने इंसाफ के जरिए जिल्लत देता है। लबों पे उसके कभी बददुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। माँ के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा दुआएं देने वाला है तो वो बहनें होती हैं। तीन लोग जब आपके सामने बात कर रहे हों तो उन्हें मत रोकें। मोहब्बत में हारा इंसान, बच्चा और वालदैन, क्योंकि इनका दिल बोल रहा होता है। हम ऐसे मुआशरे के लोग हैं जहां सच सिर्फ तब बोला जाता है जब किसी की दिल आजारी करनी हो। इंसान का दिल तोड़ने वाला शख्स कभी अल्लाह को तलाश नहीं कर सकता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, किसी के ईमान का अंदाजा उसके वादों से लगाओ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, किसी का दिल मत दुखाओ, हो सकता है वो तुम्हें ऐसे चाहता हो जैसे मरने वाला जिंदगी। झूठ का भी एक जायका होता है, खुद बोलो तो मीठा लगता है और कोई दूसरा बोले तो कड़वा। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना हो तो सबसे पहले वो अपनी जुबान की मिठास खत्म करता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है। बेऐब इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। दुनिया में झूठे लोगों को ही बड़े हुनर आते हैं, सच्चे लोग तो इल्जामों से ही मर जाते हैं। किसी ने कहा था तुम बहुत अच्छे हो, मैंने कहा यही तो खराबी है। खतरनाक वो होते हैं जो अंदर से बदसूरत होते हैं, चेहरों की बदसूरती किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। एहतियात बहुत जरूरी है, चाहे आप सड़क पार कर रहे हो या अपनी हद। अमीर है वो मर्द जिसकी जेब में औरत की वफा है। किसी को दिया गया एक आंसू इंसान की पूरी इबादत पर पानी फेर सकता है। अच्छी यादें जिंदगी का खूबसूरत सरमाया होती हैं। खुदा से ये नहीं बोला कि लाजमी दे दे, उठा के हाथ बस इतना कहा, जो तेरी रजा। किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हारी कदर ना करे तो ये उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। जुबान का कहा दुनिया सुनती है और दिल का कहा अल्लाह सुनता है। अपने अंदर की गंदगी को दूसरों में तलाश करने को शक कहते हैं। इंसान ने झूठ तब सीखा जब उसे सच की सजा मिली। कितनी भी शिद्दत से क्यों ना निभाओ रिश्ता, बदलने वाले तो फिर भी बदल ही जाते हैं। क्या फरिश्ते चले गए हैं कांधों से कि अब लोग लोगों का हिसाब करते हैं। वक्त जब बदलता है ना तो बदनाम करने वाले खुद ही नीलाम हो जाते हैं। नफरतों का कोई इलाका नहीं होता, ये मोहब्बतों की जमीन पर कब्जा करती हैं। अदब की बात है वरना मुनीर, सोचो तो जो शख्स सुनता है वो बोल भी तो सकता है। हर उस चीज को तोड़ दो जिसको इंसान ने बनाया है, लेकिन इंसान का दिल कभी मत तोड़ना जिसको अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह तुम्हें इतना नवाजेगा कि तुम्हें लगेगा ही नहीं कि कभी कुछ खोया था। वो खिसारा हमेशा याद रहता है जो किसी से मुखलिस होकर खाया हो। अब तो इतना सब्र आ गया है कि मन चाहे लोग राबता भी ना करें तो फर्क नहीं पड़ता।
ऐ दिलों को सुकून देने वाले रब, मेरे दिल को सुकून अता फरमा। असल वफाएं तो इंसान की गैर मौजूदगी में होती हैं। ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है, बस दुआ करो और अल्लाह पर छोड़ दो। हमने देखी हैं वो मजबूरियां जिनके किस्से सुनाकर लोग छोड़ जाते हैं। सब कुछ बदल जाता है वक्त के साथ, पहले हम जिद करते थे, अब सब्र करते हैं। जिस औरत के सीने पर कहीं पर भी तिल हो, वो औरत बहुत सब्र वाली होती है।